एवरीवन, आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बार बार बताया कि मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एग्रीकल्चर से, MSc इन एग्रोनॉमी, और यहाँ तक कि हमने इंटर 11th और 12th भी एग्रीकल्चर से ही किया है। जहाँ पे लोग मैथ केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई की है इंटर में। उसके बाद BSc किया है, वो भी एग्रीकल्चर से किया हुआ है। MSc पोस्ट ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से किया हुआ है। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे ज़रूर एक अच्छी जॉब मिली होगी। हाँ, मुझे ही मिली थी ब्लिंकेट और जैसे कि सुपर प्लम जैसी कंपनियों में एक अच्छी जॉब मिली थी, लेकिन वो सब ना करके हमने बनाया अपना ये ग्रीन हाउस। और जो ग्रीन हाउस बनाया है हमने, इसको बहुत कम पैसे में बहुत ही चीप रेट में बनाया है, बहुत कम कॉस्ट लगा करके बनाया, क्योंकि पढ़ाई करके जस्ट वापस आना, पैसे उतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के लिए। हमारे जो प्लांट है, जो भी प्रोडक्ट है, वो पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। हम आपके घर तक पौधा पहुँचाते हैं, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो, बल्क में ट्रेन के जरिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, चाहे जैसे हो। अगर आपको इसकी किसी किसान भाई को डर लगता है कि जो भाई ये पौधा ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पहली बात ख़राब नहीं होता, दूसरी बात जो है अगर वो ख़राब होता है या कुछ होता है तो आपको उतने प्लांट वापस से दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप कहेंगे नहीं हमको पैसा चाहिए, तुरंत चाहिए, तो जस्ट 1 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा भाई मोबाइल या जैसे भी गूगल पे, जैसे भी आप लेना चाहेंगे फ़ौरन पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा जितने प्लांट ख़राब होंगे अगर आप वीडियो बना के भेजते हैं। दूसरी चीज़, आपको जो है अगर खेत में लगाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सूख गया है, कुछ हो गया पौधे में, खेत में लगाते हैं, तो वो एक हफ्ते बाद नज़र आता है कि हाँ ये पौधा ख़राब है, डैमेज हो गया था। तो क्या करना है, अगर एक हफ्ते के अंदर पौधा ख़राब होगा तो भी हम आपको पैसा या प्लांट वापस दे देंगे। 2 हफ्ते में ख़राब होता है, 3 हफ्ते में ख़राब होता है, यहाँ तक कि 1 मंथ के अंदर अगर पौधा ख़राब होता है तो भी आपको हम आपके पैसे वापस कर देंगे। और अगर आप चाहेंगे जितने प्लांट ख़राब हुए हैं उतने प्लांट वापस कर देंगे। अभी ये ताइवान पिंक गोवा का अमरूद का जो पौधा गया था वो लगभग 1600 किलोमीटर गया था, 5000 प्लांट गए थे, उसमें से सिर्फ 4 प्लांट ख़राब हुए, बाकी कोई प्लांट डैमेज नहीं हुआ। किसान ने वीडियो बना के भेजी, बहुत खुशी जताई कि भाई साहब इतनी अच्छी पैकिंग कुछ नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी, लेकिन पौधा सही सलामत पहुँचा। थी कुछ ट्रिक होती है, हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, हमको पता है कैसे पैक करना है, कैसे मैनेज करना है, वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। आइए आपको अपने ग्रीन हाउस के बारे में। तो जैसे कि और भी लोग ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा उसके अंदर उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि जो है उसके अंदर लोग ग्रो करते हैं वेजिटेबल, और नई इसके लिए वैरायटी अलग अलग से आती है, तो वेजिटेबल ग्रो करते हैं और ग्रो करते हैं फ्रूट, और काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन वो ना करके हमने अपने एरिया के हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ, यहाँ पे कोई मेट्रो सिटी नहीं है, कोई बहुत अच्छी मंडी नहीं है, इससे जो इन चीज़ों की दिक्कत है, तो हमारे वहाँ लोग करते क्या, केले की खेती करते हैं, बाहर चला जाता है केला बल्क में, ट्रक वर्क में लोड हो करके। तो हमने क्या किया, अपने एरिया में हमने सबसे पहले लगाया अपने ग्रीन हाउस के अंदर, वो काम किया है टिश्यू कल्चर लैब से मंगवा करके प्लांट, टिश्यू कल्चर के जो प्लांट होते छोटे छोटे होते, बनाना का हमने 1 लाख पौधा मंगवाया है, और पीछे की तरफ सारा का सारा लगवा दिया है। और जो इतना बड़ा एरिया था ग्रीन हाउस का, तो बाकी जो खाली पड़ा है एरिया उसमें हमने लगाया है ताइवान पिंक गुआवा, जो कि 5000 प्लांट है, 5000 प्लांट है, इसको हम सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब इसकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आप शायद देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बेड में है, ये लगभग 5000 है, 5000 अभी इसके अंदर और लगाएंगे, उसकी भी ग्राफ्टिंग हो चुकी है, बस यहाँ पर लाना बाकी है। और आपको बता दें कि जो चीज़ हम आपको बताते हैं या दिखाते हैं या जो प्लांट बेचते हैं, वो हम खुद करते हैं, किसी और के वहाँ जाकर के जो है वीडियो नहीं शूट करते हैं कि हाँ भैया ये बताइए आपने ये फसल लगाई, इसमें कितनी लागत लगी, कितना मुनाफा हुआ, वो तो बता देगा, लेकिन आपको कोई मेहनत नहीं दिखा पाएगा, हम तो सब कुछ दिखा सकते हैं। अभी हम मॉर्निंग में 5 बजे आ गए अपने ग्रीन हाउस में, और आपको सारी चीज़ें कवर करके दिखा रहे हैं, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा काम है, उसके बाद सारा दिन टाइम नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें होती है ना। तो अभी जो ताइवान पिंक गुआवा का हम जो प्लांट सेल कर रहे हैं आप सभी लोगों को, वो जो है अपने खेत में 3 एकड़ में ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर उसको आपको देखना है तो आप मेरे ही चैनल में जा करके गुआवा की बहुत सारी वीडियोस पड़ी देख सकते हैं। बनाना का प्लांट हम बेच रहे हैं ऑलरेडी, हम उसको हमारे पिताश्री जो है 100 बीघे में लगा रहे हैं। अब ये देखिए पौधा जो प्लांट है, अब यहाँ के जो लोग हैं बाहर से जब मंगवाते थे, कहीं छोटा आ रहा है, कहीं टूटा हुआ आ रहा है, कहीं पतला आ रहा है, इसकी हेल्थ देखिए आप कितना शानदार प्लांट है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे वहाँ जो और भी किसान भाई खेती करते हैं, वो और जो लोग हैं वो हमसे प्लांट लेंगे। तो हमने 1 लाख बनाना का जी नैने वैरायटी का प्लांट मंगवा लिया है, और इसको अब हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे वहाँ जून से प्लांट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पौधे की गारंटी है, ये पौधा रोग मुक्त है, इसमें फंगस मुक्त है, ये सारी चीज़ों से ये परे है। 1 लाख पूरा पौधा है, ये डबल साइड किया गया है, थोड़ा सा जो है प्लांट छोटा छोटा था तो इसको जो है साइड की ज़्यादा ज़रूरत थी। आइए आपको बाहर से पूरा दिखाते हैं अच्छे से।
अब ये हो गया और बनाना हो गया। अभी अपने पास ड्रैगन फ्रूट भी है। ड्रैगन फ्रूट एक होता है जो ऊपर से रेड अंदर से रेड, वो खाने में बहुत अच्छा टेस्टी है। उसको हमने 3 प्लांट अपने घर पे लगाए थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा 2 साल से। अब उसी को हम लोग 1 एकड़ में लगाने जा रहे हैं, उसका ही प्लांट अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। मदर प्लांट तो ऑलरेडी था ही अपने पास। उसके बाद आता है हमारे पास जो अच्छी डिमांड इस वक्त है, हम लोग 3 एकड़ में लगाए हुए हैं कश्मीरी एप्पल बेर, जिसका प्लांट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी ग्राफ्टिंग होकर के 1 मंथ के बाद से जब वो लगना स्टार्ट होगा तभी मिलेगा वो। दूसरी चीज़, 3 एकड़ में जब कश्मीरी एप्पल बेर लगी थी उसको खेत को 1 एकड़ खाली कर लेंगे, 2 एकड़ में कश्मीरी एप्पल बेर रहेगी और 1 एकड़ में लगाएंगे हम लोग ये जो कटहल होता है। एक कटहल की वैरायटी आई है जो कि डॉर्फ है। इसका प्लांट का हाइट मैक्सिमम जो जाता है 8-10 फीट जाता है और नीचे से ऊपर तक कटहल लगा हुआ रहता है पूरा का पूरा। उसमें बतिया फूल फल सब कुछ रहता है। आप डेली हार्वेस्ट करते रहोगे, अगर 1 एकड़ लगा लिए डेली हार्वेस्ट करते रहोगे तो वो वैरायटी की सेल ज़्यादा है, तो उसका भी प्लांट अपने पास अवेलेबल है। GM एग्रो फार्म, ग्रीन मैन्योर एग्रो फार्म, GM agrofarm.in। तो उस पर जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं गार्डनिंग वाले 2-4-10 प्लांट और वहाँ से आपको सप्लाई हो जाएगी। 1-2-3 प्लांट 5 प्लांट के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, उसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको। वो तो हमारी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को, आप लोग हमको सपोर्ट करें। हमने एक अच्छी जॉब छोड़ करके इसको अपनाया है, ये काम कर रहे हैं, सपोर्ट करें और उन लोगों तक वीडियो शेयर करें जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।